नमस्कार दर्शक मित्रों, मुलाकात के एक विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज एक विशेष व्यक्ति से हम मुलाकात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ परम पूज्य विद्यानंद जी महाराज, जो स्तंभकेश्वर मंदिर के महंत हैं। अब हम ये समझेंगे कि इस मंदिर के बारे में समझेंगे, हमारे जो हिंदुओं में जो आस्था है भगवान के प्रति उसके बारे में थोड़ा समझेंगे, और महादेव जो देवों के देव महादेव हैं उनकी जो आस्था है, उनकी जो भक्ति है, जिसमें हर मनुष्य और हर व्यक्ति उसके अंदर प्यार मोहब्बत से उसके साथ में जुड़ना चाहता है, उसके बारे में हमारे मान साहब से पूरी बात समझेंगे। तो सूरत के पास जम्बूसर भरूच तालुका डिस्ट्रिक्ट है, भरूच डिस्ट्रिक्ट के पास जो जम्बूसर तालुका है वहाँ पर कावी कम्बई करके एक जगह है जो बिल्कुल सागर के तट पर है। वहाँ पर इतना पुराना पौराणिक मंदिर वहाँ पर शिवजी का बनाया हुआ है। कहते हैं कि शिवजी के पुत्र कार्तिकेय ने इस मंदिर का निर्माण किया था, और किसी को इस मंदिर के बारे में पता नहीं था। सिर्फ स्कंद पुराण में इस मंदिर का उल्लेख किया हुआ है, और काफ़ी अच्छा उल्लेख किया हुआ है, और उसकी जो महिमा है उसके बारे में स्कंद पुराण में पूरा विस्तार से दिया गया है। तो आज ऐसे ही एक मंदिर के महंत स्तंभकेश्वर महादेव मंदिर के महंत हमारे साथ में जुड़े हैं, और इस मंदिर को ऊपर लाने में वहाँ पे काफ़ी कुछ काम इन्होंने किया हुआ है, और लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाने, इस मंदिर के बारे में पहुँचाने के लिए, और ये सुविधा उन्होंने बनाई है कि लोग वहाँ जाके दर्शन करते हैं। इस मंदिर की एक खास विशेषता है कि 24 घंटे में 6 घंटे में तक ये जल अभिषेक होता है। इस मंदिर में सागर खुद आकर इसका जल अभिषेक करता है। तो इस विशेष मंदिर के बारे में हम गुरुजी से समझेंगे, महाराज जी से समझेंगे कि ये इसकी पौराणिक कथाओं के बारे में समझेंगे कि कितना पुराना मंदिर है और इसकी क्या महिमा है, इसके बारे में कुछ गुरुजी हमारे दर्शकों को आप बताइए। तो पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आपको कि आपने आपका कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए और इस दिव्यांग चैनल में आप उपस्थित हुए। तो आज विस्तार में हम चाहते हैं कि आप बताएं कि इसकी इसका इतिहास क्या है और इसकी क्या महिमा है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर भरूच जिला में स्थित है। भरूच से 80 किलोमीटर दूर पर वहाँ मही और समुद्र का संगम होता है। मही और समुद्र के संगम स्थल के ऊपर यह महान शिवलिंग जो है वहाँ पर स्थित है। वहाँ लगभग 8 नदी और 1 समुद्र का संगम होता है। नदियों में महीसागर, साबरमती, वात्रक, मेश्वा, खारी, चंद्रभागा, हातमती, ये सब नदियों का संगम स्थल है। वहाँ पर जो है उत्तर के भाग में खंभात शहर स्थित है, और दक्षिण में कावी स्तंभेश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ पर। आज हजारों सालों से वो जगह पुराणों के अंदर उसका खूब विस्तार पूर्वक महत्व मिलता है। उस पुराणों की व्यवस्था के अंदर इसका महत्व इतना ज़्यादा है कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पुराण है स्कंद महापुराण, उसमें 82,000 श्लोक हैं। उस 82,000 श्लोकों का जो मुख्य भाग है, उस ग्रंथ का नाम भगवान कार्तिकेय के नाम पर ही रखा गया है। कार्तिकेय का मतलब होता है स्कंद, स्कंद का मतलब कार्तिकेय। उन कार्तिकेय स्वामी के नाम से वो 82,000 पृष्ठ का जो है वो पुराण जो है उसका रचना हुआ। उस पुराण के अंदर सबसे पहले केदारखंड मतलब केदारनाथ का महत्व जो है उसमें मिलता है। उसके अंदर कथा ऐसी है कि किसी समय में केदारनाथ में भगवान शिव ने तपस्या किया, सती का आत्मदाह हुआ। आत्मदाह के पश्चात भगवान शंकर 88,000 साल तक तपस्या में लीन रहे। उस युग में हजारों राक्षसों ने देवताओं के ऊपर अत्याचार किए, मनुष्यों के ऊपर अत्याचार किए, और उन अत्याचारों का जो युग चलता रहा उसमें सबसे बड़ा एक अत्याचारी राक्षस उत्पन्न हुआ, तारकासुर। उस तारकासुर का वध भगवान शिव के पुत्र के हाथ से ही लिखा हुआ था, ऐसा स्कंद महापुराण में आप लोग पढ़ सकते हैं। स्कंद महापुराण के आधार से वहाँ तारकासुर का वध शिव पुत्र के हाथों से लिखा हुआ था। भगवान शंकर तो उस समय समाधि में थे, पार्वती जी का जो है अवतार केदारनाथ में हुआ, और शिव और पार्वती का विवाह केदारनाथ में हुआ।
सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव का जो है विवाह कराया और उसका बहुत विस्तार आप केदारखंड में पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रकरण ऐसा हुआ कि केदारखंड में जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ, भगवान कार्तिकेय का अवतार हुआ, 6 दिन की उम्र में उन्हें उस क्षेत्र का सेनापति बनाया गया और सेनापति के पश्चात उन्होंने तारकासुर का वध महीसागर संगम, जो आज स्तंभेश्वर नाम महादेव के नाम से पूरा विश्व उनको जानता है, वही वह स्थल है। स्कंद महापुराण में लिखा हुआ है कि भगवान शिव के पुत्र ने तारकासुर का वध किया और जब तारकासुर का वध हुआ उसके पश्चात कार्तिकेय को जानकारी हुई कि तारक भगवान शिव जी का भक्त था, उस समय उनको बहुत ग्लानी हुई। उस पाप के प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की, समस्त देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव की आराधना की, महादेव जी प्रकट हुए और उन्होंने बहुत से वरदान इस तीर्थ क्षेत्र को वहां पर दिए, जैसे कि विषुव योग हो, वैधृति योग हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, ऐसे 7 योग बताए गए हैं। उन 7 योगों में कोई भी मनुष्य उस तीर्थ में आकर के भगवान शिव जी की पूजा करेगा तो उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, ऐसा वरदान भगवान शंकर ने वहां पर उस तीर्थ को दिए हुए हैं। इस कथा का जो दूसरा भाग ऐसा है कि माता पार्वती जी भी भगवान शिव के साथ थी, उन्होंने भी उस तीर्थ को वरदान दिया कि कोई भी स्त्री गौरी तीर्थ के दिन यहाँ आकर के मेरी पूजा करेगी, उसको जो है 7 सौभाग्य सूचक वस्तुओं की प्राप्ति होगी। भगवान गणेश ने भी वहाँ पर वरदान दिया कि गणेश चतुर्थी के दिन कोई भी मनुष्य महीसागर संगम स्तंभेश्वर महादेव में मेरी पूजा करेगा तो उसको कभी भी जीवन में विघ्न नहीं आएगा। स्कंद महापुराण के अंदर दूसरा एक भाग उसमें ऐसा मिलता है कि भगवान नारद जी ने हजारों साल पहले जो है वहाँ पर जो है एक इच्छा प्रकट की कि मैं हिमालय में से ब्राह्मणों को लाऊं और वहाँ पर मैं उनको भूमि दान करूं। नारद जी ने वहाँ पर जो है हिमालय में से, जो आज चाइना में स्थित है, कपाल गांव से ब्राह्मणों को लाए और उस महीसागर संगम में उनको बसाया और नारद जी ने 10,000 साल तक तपस्या किया। तपस्या करने के बाद में उन्होंने समस्त देवताओं की स्थापना उसी महीसागर संगम तीर्थ में उन्होंने की और उसके बाद में नारद जी ने बहुत से वरदान जो है इस तीर्थ क्षेत्र को दिए और उन सभी वरदानों का प्रभाव आप लोग आज देख सकते हैं वहाँ। उसके बाद में वहाँ का कार्यक्रम आगे बढ़ता है द्वापर युग में, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते थे, उस समय घटोत्कच के पुत्र के रूप में बर्बरीक का अवतार हुआ। बर्बरीक ने घटोत्कच से पूछा कि मैं किस धर्म में मेरी उत्पत्ति हुई है और मेरा इस जीवन में आने का प्रयोजन क्या है, मैं क्या कार्य करूं इससे हमारी जो है धर्म इच्छा पूरी हो। घटोत्कच ने भगवान श्री कृष्ण के पास बर्बरीक को द्वारिका ले गए, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने आँख बंद करके उस देव दिव्य पुरुष का पूर्व जन्म देखा। पूर्व जन्म में उसको जो है उन्होंने वहाँ दर्शन किया कि घटोत्कच का जो पुत्र बर्बरीक है यह पूर्व जन्म में एक गंधर्व था और उस गंधर्व ने श्राप योनि में प्राप्त होने के बाद इस राक्षस योनि में वो व्यक्ति आया हुआ है और उसका जो कार्य था भगवान श्री कृष्ण ने सब देखा। उसकी बात जो है उन्होंने जो है उसको सूचना दिया कि नारद जी के द्वारा जो स्थापित महीसागर संगम तीर्थ है वहाँ आप जाओ और वहाँ नारद जी ने जो नव दुर्गा की स्थापना की है उनकी तुम आराधना करो। उसके बाद जो है बर्बरीक यहाँ जो है महीसागर संगम तीर्थ में आए और उन्होंने खूब घोर तपस्या किया, देवी की सिद्धि प्राप्त की और देवी की सिद्धि प्राप्त करने के बाद में क्या वहाँ पर एक ब्राह्मण का उनके साथ मुलाकात हुआ। उस ब्राह्मण की इच्छा ऐसी थी कि वो वैष्णवी महाविद्या का अनुष्ठान करने के लिए महीसागर संगम तीर्थ में आए हुए थे। उस वैष्णवी महाविद्या का शास्त्रों में बहुत बड़ा प्रभाव बताया गया है। उस अनुष्ठान के प्रारंभ से ही राक्षसों का आना जाना वहाँ शुरू हो जाता है। समस्त राक्षसों का विनाश उस समय बर्बरीक ने किया और उस ब्राह्मण देवता का वो अनुष्ठान उनका पूरा हुआ। उसके बाद में उन्होंने जो यज्ञ किया, यज्ञ के अंदर जो भस्म हुई, उस भस्म का प्रभाव उस शास्त्रों में इतना बताते हैं कि वो भस्म इतनी शक्तिशाली थी कि जिसकी मृत्यु आनी होगी उसके सिर पे वो रहेगी, अथवा नहीं तो वो भस्म उसके सिर पे नहीं लग सकती। उसके बाद में जो अपने महाभारत का युद्ध हुआ, जो बर्बरीक थे उन्होंने उसी भस्म को अपने बाण पे चढ़ाया
और जो बचने वाले लोग थे वो खाली 6-7 लोगों के माथे पे वो भस्म नहीं लगी, दूसरा बाण उनका चढ़ता तो उसके बाद में पूरा जो है महाभारत युद्ध खत्म हो जाने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये तो जो जिसको श्रेय मिलना है ये युद्ध जो है इसी समय खत्म हो जाएगा, तो ये सब मेरी जो लीला है वो सब समाप्त हो जाएगी। उसी समय उन्होंने उसका सिर जो है वहाँ काट दिया और उनको ब्रह्मशिरा नाम से उनकी वहाँ पर प्रसिद्धि हुई। तो वो बर्बरी का जो है आज प्रभाव पूरे राजस्थान में है, हरियाणा में है, यूपी के कुछ क्षेत्रों में है और आज सूरत में भी लगभग 100 करोड़ रुपया के खर्च से वो मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। उन बर्बरीक को भी सिद्धि वही महीसागर संगम तीर्थ में से ही प्राप्त हुई थी, ऐसा ये प्रभावशाली तीर्थ क्षेत्र है। इस प्रभावशाली तीर्थ क्षेत्र में आप सब लोग आइए और भगवान शिव के वरदानों का लाभ लीजिए। उसके पश्चात में अभी की जो वहाँ की परिस्थिति है उसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ कि मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगा, आपने काफ़ी विस्तार में इसके बारे में बताया तो मैं चाहता हूँ कि दर्शक ये समझे कि महाराज जी आप कैसे वहाँ पे पहुँचे, वो बात बताइए कि आप अभी तो मेरे साथ में बैठे हो लेकिन कई वर्षों पहले आप वहाँ पे पहुँचे तो कैसे पहुँचे, आपको ऐसा कौन सा अंतर्ज्ञान हुआ कि भाई मुझे यहाँ पे जाना चाहिए और मेरा कुछ कर्म बाकी है मुझे वहाँ पे करना चाहिए। मैं आज से लगभग 30 साल पहले नर्मदा किनारे था, तो मैंने 88 में नर्मदा की परिक्रमा किया पूरा 4,500 किलोमीटर का। तो वहाँ पर हमारा एक महात्मा थे, उनके साथ संबंध हुआ और वो महात्मा ने मेरे को खाली एक व्यवहार व्यवहार में उन्होंने उस शिवलिंग का प्रभाव बताया था। वो महात्मा जो है लगभग 1 महीना इस तीर्थ क्षेत्र में रहे थे और उन्होंने इतना प्रभाव उस शिवलिंग का बताया कि कितनी बार वो स्तंभेश्वर महादेव का लिंग जो है वहाँ से स्वयंभू गायब हो जाता है। कभी कभी जो है ये शिवलिंग जो है 1,000 फुट हाइट के अंदर वो दिखाई पड़ता है। कभी कभी कितने ही उन्होंने चमत्कार उस शिवलिंग के बारे में उन्होंने बताए थे। और उसके बाद में एक हमारे दूसरे महात्मा थे, वो भी वहाँ लगभग 6 महीना रहे। तो आज जो है वो सब महात्माओं ने वहाँ पे साधनाएं की और उन्होंने इस शिवलिंग का जो है जो अकल्पनीय जो परिचय है उन्होंने सबने वहाँ पर देखा था उसको। हजारों लोगों को संतान भगवान शिव जी के आशीर्वाद से वहाँ प्राप्त हुई है, जो आज आपने सब आपने वर्तमान में देख सकते हैं। आज हजारों लोगों जो है की संख्या वहाँ भगवान शिव जी के आशीर्वाद के लिए वहाँ पर आते हैं और सभी व्यक्तियों की मनोकामना वहाँ पर पूरी होती है। तो आप जब पहुँचे वहाँ पर, जब पहली बार आप इस महादेव के पास पहुँचे, इस लिंग के पास पहुँचे, तो क्या परिस्थिति थी वहाँ पर? मैं जब आया था तब तो महादेव जी अकेले ही थे वहाँ, कोई बांधकाम नहीं था, कोई जगह नहीं थी, ऊपर सब किसान लोगों की जमीन थी। मंदिर में जाने का रास्ता नहीं था उस समय नहीं था, वहाँ कीचड़ से ही लोग जाते थे, एक एक डेढ़ डेढ़ फुट कीचड़ में अंदर जाना और वहाँ भगवान का दर्शन करना, दर्शन करने के बाद बाहर आके पैर धोना, ये सब व्यवस्थाएं वहाँ सब चलती थी। तो उसके बाद में लेकिन शिवलिंग तो उस समय भी उतना ही प्रभावशाली था, उतना ही चमत्कारिक था जैसा आप लोग सोच नहीं सकते। तो आपने जब पहली बार दर्शन किया महादेव जी का, तो क्या महसूस हुआ? वो तो भगवान शिव का तो वो तो आप देखो, मैं हमारा अपना एक अनुभूति एक बच्चे आपको विचार बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कितना भी चंचल हो उस शिवलिंग के पास जब पहुँचता है उसके अंदर वो चंचलता खत्म हो जाती है। क्या बात, उसके अंदर इतना बड़ा प्रभाव है। कितना भी चंचल, कितना भी क्रोधी व्यक्ति हो उस भूमि पे पैर रखेगा उसका क्रोध खत्म हो जाता है। तो आपने पहली बार दर्शन किया तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि महादेव जी ने आपको मोह लिया? हाँ, मोह तो लिया नहीं, उन्होंने ही हमको वहाँ आदेश किया। मेरा तो कभी स्तंभेश्वर महादेव में रहने की इच्छा थी ही नहीं, हम लोगों का तो मन में ऐसा था कि मैं तो इस दुनिया में जब बस परिप्रजा की जिंदगी जीऊँगा, ऐसी हमारी एक इच्छा थी उसमें, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ ऐसा जीवन बिताने की मेरी तो इच्छा थी। लेकिन उस भूमि में इतना आकर्षण है कि उसने हमको वहाँ से जाने नहीं दिया। एक बार मैं उधर से निकल गया है, उधर गांव को मैंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया, 6 महीना रुका, 6 महीने के बाद फिर मैं तो जगह छोड़ दिया। मैंने एक छोटी सी झोपड़ी बनवाई वहाँ, मैं सोचा कभी 1-2 साल में एक आध बार, कभी एक आध महीना दरिया किनारा है आके रहूँगा। उसके बाद में तो घूमा 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 जो है उधर से लगभग 3-4 महीना घूमने के बाद में फिर जो है महादेव ने हमको फिर बुलाया वहाँ से, भाई तुम उधर नहीं चलता, तुमको इधर आना ही पड़ेगा। बाकी मेरी अंदर की आत्मा ऐसी है कि मैं कभी भी उस जगह रहूँगा, मैं ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था।
आप वहाँ पहुँच गए और इतना लोग वहाँ आएगा ये भी मैंने नहीं सोचा था। क्या वहाँ का जो लोकल स्थानिक जो पब्लिक थी उसके अंदर तो बिल्कुल तीर्थ क्या चीज़ है, भगवान क्या चीज़ है, साधु संत क्या है, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था थी ही नहीं। वो अंतर्ज्ञान था ही नहीं, था ही नहीं, कुछ नहीं था। और मैं जब आया तब तो लोग तो साधु को तो मांगने वाले समझते थे लेकिन अभी तो परिस्थिति वहाँ की ऐसी है कि वहाँ का हमारा हिंदू हो मुसलमान हो दोनों हमारी सेवा करते हैं, और सेवा ऐसा नहीं दिल से सेवा करते हैं। क्या जो भी आज 80,000 मुस्लिम हमारे आश्रम के आसपास है, क्या लगभग जम्बूसर कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या विधानसभा में, लेकिन स्तंभेश्वर के प्रति सबको भाव है। क्या वो भगवान के स्वरूप में नहीं होगा तो समझो कि एक सुंदर स्थल है उसके रूप में वो लोग मानते हैं, लेकिन उनको प्यार सबको है वहाँ। हिंदू समाज तो अभी लगभग 2 साल से ऐसी परिस्थिति है वहाँ की कि पूरा विश्व से लोग वहाँ पर आ रहा है। क्या बात। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हर चीज़ अपना समय से होती है और वो ईश्वर ही उस समय को नक्की करता है। बाकी आज आप समझिए कि मीडिया ने जितना काम स्तंभेश्वर का किया है शायद किसी मंदिर का किया होगा। आज 30 साल से मीडिया हमारा काम करती है और लोगों तक ये पहुंचाती है, पहुंचाती है, खूब पहुंचाती है, और फ्रंट पेज पे उसका इतिहास आता है और सब कुछ है, और उसके पीछे भी ईश्वर है। क्या हमारे एक पत्रकार थे, आज से मैंने लगभग 25 साल पहले मैं स्वयं उस प्रेस में, बहुत बड़ा प्रेस था, गुजरात का नाम तो नहीं लूंगा आपके सामने, क्या मैं गया वहाँ, एक ब्राह्मण थे, उनको मैंने स्कंद महापुराण उस प्रेस के अंदर खोल के बताया। क्या तो वो मित्र ने इतना बड़ा इतिहास देखा, बोले स्वामी जी इतिहास तुमने कहाँ रखा छुपा के, और उन्होंने आप मानोगे कि उसमें से 4 कॉलम का हमारे प्रेस नोट लिखा, उसमें तो प्रिंट मीडिया का जमाना नहीं था। क्या आप मानसे 1.5 लाख आदमी उस प्रेस नोट को पढ़ के वहाँ पे आया था। क्या बात, 1.5 लाख लोग था, कोई भी नहीं सोचता था कि यहाँ ऐसा हो सकता है। क्या लेकिन ये सब ईश्वरीय शक्ति ही है, ईश्वरीय ही व्यवस्था है। और शनिवार हो, अमावस्या तिथि हो, श्रावण महीना हो, ये योग जब भी आता है, लगभग 28 साल में 4-5 बार आया होगा, तो वहाँ 8-8, 10-10 किलोमीटर की लाइन हो जाती है। 15-10% लोग ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं, दूसरा लोग नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए उस तीर्थ स्थान की जो दैवी शक्ति है, क्या वो उस समय भी मौजूद थी, आज भी मौजूद है, और युग के युग परिवर्तन होते रहेंगे, वो शक्तियाँ वहाँ से कम नहीं होंगी। क्योंकि नारद जी ने जो है वहाँ पर स्थानों की स्थापना किया, उन्होंने देवताओं के पास से वरदान मांगे हैं, और उन्हीं वरदानों का प्रभाव ही आज आप देख सकते हैं कि आज लाखों लोग जो है वहाँ पर आ रहा है। और आज दूसरा मैं आपको एक बात इसके लिए बताता हूँ कि देखो जीवन में मनुष्य जो है कोई भी कर्म करे, क्या उसको साधना तो करना ही पड़ता है। और आज कोई भी मूर्ति हो परमात्मा की, जो स्तंभेश्वर महादेव हैं वो तो करोड़ों सालों से ही सिद्ध थे, क्या लेकिन मैंने 28 साल में वहाँ पर लगभग कितने ही अतिरुद्र यज्ञ करवाए, कितने ही करवाए, महारुद्र यज्ञ मैं तो हर साल बहुत बार करता हूँ। क्या ये सब व्यवस्थाएं वहाँ की विशाल व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, क्या वो ईश्वर इच्छा से ही चल रही हैं। हजारों चमत्कार तो मेरे जीवन में ऐसे ऐसे हुए आप तो सोच नहीं सकते हैं। क्या उन सभी चमत्कारों की व्यवस्था तो ईश्वर ही करता है, मनुष्य तो क्या करेगा, मनुष्य तो क्या करेगा। क्या तो आपने आपने आप दोबारा जब मंदिर में आए हैं तो आपने फिर क्या सोचा कि मुझे इस आदेश है ईश्वर का, उसको उसमें आप अकेले थे तब? हाँ अकेले, उस समय भी मैं अकेला था, आज भी मैं अकेला हूँ। तो आपने कैसे लोगों को जोड़ा? बस बात ये सारी जो व्यवस्था हुई है तो किसी न किसी के जुड़ाव से हुई होगी। हाँ जुड़ाव तो ऐसा हुआ कि मेरे मन में एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उधर बैठा था, तो उसमें समुद्र में क्या है कि कुछ समय ऐसा होता है कि कीचड़ बहुत आता है वहाँ। साल में 3 महीने ऐसे होते हैं कि जहाँ खूब कीचड़ आता है, लगभग 2.5-3 फीट कीचड़ आता है बारिश के समय में। नहीं बारिश तो शायद नहीं होगी, मेरे को लगता है ठंडी में होगा। तो ठंडी में कीचड़ खूब आया, मैंने 15 दिन साफ सफाई किया पावड़ा लेके। उस समय तो मैं अकेला था, कोई पुजारी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैंने 15 दिन खूब मेहनत की वहाँ, मतलब परेशान हो गया। तो उसके बाद तो मैं वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर आगे कावी गाँव है, वहाँ पर मैं गया। तो उस समय मैं ब्राह्मण वहाँ से पैसा चाहिए, धनाढ्य लोग हैं, मैं सोचा एक फाउंडेशन छोटा सा बनाऊं है तो उसको थोड़ा हाइट होगा तो उसके ऊपर कीचड़ नहीं आएगा। तो एक 2-4 ब्राह्मणों को मैंने इकट्ठा किया, तो ब्राह्मण लोग जो है
बोले गुरु जी हम तो क्या कर सकता है। इस कहने का मतलब क्या है, उनके अंदर जो शक्ति थी वो थी ही नहीं, जीरो जीरो में थी। हम लोग उनको समझाया बहुत ऐसे, इधर ये हुआ वो हुआ, फिर हम लोग जो है वहाँ से सोचा कि भाई चलो दो चार भगतों को मिलूंगा क्या, तो 5-10 हज़ार रुपये इकट्ठा करूँगा, इससे मैं एक प्लेटफॉर्म छोटा सा बनाऊंगा तो कीचड़ थोड़ा कम हो जाएगा। तब मैं ब्राह्मण समाज के साथ में गया तो भरूच में घुमा, बड़ौदा घुमा, उस समय मेरे को 6,000 रुपया दान में मिला। उस समय 25 साल पहले तो वो 6,000 रुपया में 1500-1700 3,000 रुपया कुछ वो ब्राह्मण समाज ने दिया, किसी ने 100 दिया, किसी ने 50 दिया, कोई ने 20 दिया, ऐसा करके। और दो भगत मारे थे उन्होंने 1000-1500 रुपया दिया, 6,000 टोटल हुआ। वो पहली आहुति है, पहली आहुति वहाँ से शुरू हुई। और ये आहुति मैंने उस ब्राह्मण को ही वो सब पैसा दे दिया जो मेरे साथ आए थे, अच्छे व्यक्ति थे। मैं बोला भाई हमारे पास रहेगा तो सब खर्चा हो जाएगा, तो ये मंदिर का काम रह जाएगा तुम्हारा क्या। उसके बाद में मेरा एक भगत है दिल्ली में क्या, प्रवीण भाई करके, तो प्रवीण भाई धूम साहब हैं अभी, वो इंजीनियर थे, उनके पास मैं उनके घर में गया तो उनका विचार ऐसा हुआ कि नहीं स्वामी जी ये मंदिर ऐसे नहीं बनेगा, प्लेटफॉर्म नहीं बनाओ, इसका डिजाइन कराओ क्या। तो मैं बोला डिजाइन कैसे होगा, कोई हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं है, धन की कुछ ऐसा, कितना लंबा खर्चा है उसका। तो लेकिन वो माना नहीं, थोड़ा अच्छा व्यक्ति थे तो उन्होंने, हमारे यहाँ सूरत में एक इंजीनियर है पंकज भाई पटेल, बहुत बड़े आदमी हैं यहाँ के क्या, बहुत भगवान को बहुत मानते हैं, वो दोनों मित्र थे। वो पंकज भाई के पास हमको जो है प्रवीण भाई लाया इधर, और पंकज भाई ने उसकी सुंदर डिजाइन बॉटम की तैयार किया, और लगभग उस समय वो 14 लाख रुपया का डिजाइन हुआ था खाली फाउंडेशन का है। और फिर हम और पंकज भाई जो है उधर सब डिजाइन हुआ, उसके बाद वो काम शुरू हुआ। हमारा यहाँ कच्ची पटेल थे, उन्होंने हमको कुछ मदद किया। फिर मतलब कि वो यज्ञ चलता रहा और लगभग 15 साल चला, लोग जुड़ते गए जुड़ते गए। हाँ, हमारा एक अमेरिका में बहुत पवित्र व्यक्ति हैं, उन्होंने हमको बहुत मदद किया। कहने का मतलब लोग जुड़ते गए जुड़ते गए, भरूच के लोग जुड़े, बड़ौदा के जुड़े, अहमदाबाद के जुड़े। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है मंदिर के परिसर में जो व्यवस्था है, मतलब लोग वहाँ तक पहुँच सके, उसके सिवा क्या क्या व्यवस्था है वहाँ पे? वहाँ व्यवस्था में तो देखो अभी तो परिस्थिति ऐसी है कि दक्षिण गुजरात में जितने भी मंदिर हैं क्या, उसमें जितनी व्यवस्थाएं स्तंभेश्वर में है इतनी व्यवस्था कहीं नहीं है। ठीक है, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं वहाँ व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, रहने के लिए अभी तो क्या है कि उस मंदिर का कैंपस 12 बीघा जमीन में है। अच्छा। क्या तो 12 बीघा जमीन में कैंपस है, उसके अंदर पार्किंग की विशाल व्यवस्था है, 5,000 गाड़ी हो तब भी वहाँ खड़ी हो सकती है। उसके बाद में वहाँ जो है पानी की सुंदर व्यवस्था है, उसके बाद धर्मशाला है, लगभग 101 रूम है वहाँ पर, और जो है वहाँ यज्ञशाला बनी हुई है, और भगवान के मंदिर में जो है आने जाने के लिए सब विशाल व्यवस्था है, वहाँ कोई कमी नहीं है। आज 500 आदमी 1,000 आदमी वहाँ आए और वो उसको कोई तकलीफ नहीं होगा। वहाँ पे भोजन के लिए भी व्यवस्था है, भंडारा तो मैं सब महीने में 30,000 आदमी में भोजन कराता हूँ। क्या बात, हाँ 30,000 आदमी आता है, और वो सब सालों से चल रहा है, सारी महादेव की कृपा, सब वही चला रहा है वही। बाकी 30,000 आदमी का भोजन आप एक आदमी का 20 रुपया गिनती करो तो कितना बड़ा फंड चाहिए उसके लिए क्या। मैं 28 साल में आज तक कभी किसी के पास मांगने नहीं गया, भगवान स्वयं व्यवस्था करता है। इसके साथ में आप उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी काफी कुछ काम करते हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अब पूर्वांचल क्या है कि एक अति गरीब क्षेत्र है क्या, तो उस क्षेत्र में हमारा एक आरएसएस की एक संस्था चलती है, उसके एक हमारे प्रचारक हैं, वो हमारे मित्र हैं, तो मैंने उनको बात किया कि भाई कुछ बच्चों को यहाँ हमारे क्या है कि हमारा स्कूल की इच्छा नहीं है, लेकिन मेरा एक इच्छा ऐसा है कि हमारे मंदिर में जो फंड आता है उसको कुछ फंड को हम शिक्षण के क्षेत्र में उसका यूज करें। सही बात। तो इसलिए हम लोगों ने फिर सोचा कि इसको कैसे किया जाए, फिर हम लोगों ने धीरे धीरे सोचा, फिर उन संघ के प्रचारक के माध्यम से जो है मेरे पास उन बच्चों को हम लोग लाए वहाँ, और अब लगभग 10-11 साल से 25 बच्चे हम लोग रखते हैं क्या, और उनको सबको पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य तो मंदिर का है न कि शिक्षण का है, लेकिन कुछ उस मंदिर के फंड को हम शिक्षण में उसका जो है समावेश करेंगे, ऐसी इच्छा से हम लोगों ने वहाँ पर उन बच्चों को रखा है। और हमारा बच्चे तो एकदम परिवार की तरह रहते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन में गरीबी देखना हो तो आप लोग एक बार पूर्वांचल जरूर जाना। तो वहाँ से काफ़ी बच्चे भी आप लेके आते हैं, उनको शिक्षा भी देते हो? हाँ, उनके माँ बाप को भी मैं लाता हूँ, उनके माँ बाप जो है उन बच्चों को यहाँ छोड़ने के लिए आते हैं, और वो लोग खूब संतुष्ट हैं सर। क्या शिक्षा प्रदान करते हो? शिक्षा में मैंने व्यवस्था ऐसी किया हुआ है वहाँ कि जो है वो बच्चे वहाँ मेरे पास जो है रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कपड़ा की व्यवस्था, वो सब व्यवस्था मैं करता हूँ।
लेकिन उनको जो है हमारे पास में 500 मीटर दूर एक स्कूल है, 8वीं कक्षा तक वो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, एक से लेकर के 8 तक। उसके बाद में उनको जो पढ़ना हो, जम्बूसर जाना हो, कावी जाना हो, जहाँ भी जाना हो, हम सब व्यवस्था उनके लिए करने के लिए। बच्चे हैं ऐसे? अभी 25 बच्चे हैं मेरे पास। और ये मंदिर में भी सेवा करते हैं? हाँ, मंदिर में भी करते हैं। तो आज जो कीचड़ की बात है, आज भी कीचड़ आता है? बहुत कीचड़ आता है, आज तो डबल कीचड़ आ रहा है, अभी तो ज़्यादा कीचड़ आ रहा है। पहले तो हम लोग अकेला बाल्टी से धोते थे, अभी तो हमने 5 HP का पूरा मोटर लगाया हुआ है और वो 5 HP का मोटर 1.5 घंटा चलता है, तो आप सोचा लगभग 1.5 लाख लीटर पानी का खर्चा है वहाँ। तो ये जो पानी आप बिल्कुल सागर तट पे हो, तो मीठा पानी कहाँ से मिल जाता है? मीठा पानी तो हमारा एक महात्मा थे, उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया था कि जाओ स्वामी जी तुम्हारे यहाँ पानी कभी नहीं घटेगा, अभी तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, वो बस उन्हीं का आशीर्वाद है। मीठा पानी आ जाए, मीठा पानी चल रहा है हमारे। क्या बात, मतलब सागर तट पे मीठा पानी नहीं मिलता है। हमारा ये भी एक आशीर्वाद है। मेरे यहाँ पूरा जो है लगभग नहीं तो 70 किलोमीटर का एरिया ऐसा है कि जहाँ आज भी लोगों को पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ बहुत दुखी है लोग। एक एक बड़ा बेड़ा जो है पानी, एक घड़ा 1.5 किलोमीटर आगे से बेचारे लाते हैं और जो है अभी भी बहुत तकलीफ है, लेकिन मेरे मंदिर में कोई तकलीफ नहीं है। और हमारा मंदिर की जो व्यवस्था है आप तो समझ सकते हैं कि 30,000 आदमी तो वहाँ भोजन करते हैं, तो उनको भोजन बनाने के लिए, सब साफ सफाई करने के लिए, सबके लिए जल चाहिए, बहुत बड़ी व्यवस्था चाहिए, एक गाँव से भी ज़्यादा व्यवस्था चाहिए। क्या और गौशाला भी है वहाँ पर हमारी सुंदर एक, तो वो सब के लिए हमारे को पानी की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ दूसरी भी समझिए कि वहाँ हमको गवर्नमेंट की भी खूब मदद है, हमारे जितने भी ऑफिसर हैं हर डिपार्टमेंट के लोग हमको खूब मदद करते हैं, दिल से करते हैं। क्या लेकिन ये है सब ईश्वर की वजह से, एकदम कारण तो भगवान के बिना तो बाकी एक समझो एक मामलतदार है, कलेक्टर साहब है, उनके पास कहाँ समय है, 12-12.5 लाख लोगों के साथ उनका संपर्क होना, उनका सबका काम करना। लेकिन हमारा महादेव है, जब जहाँ जिसकी जरूरत पड़ती है उसको वो प्रेरणा करते हैं और वो व्यक्ति जो है वहाँ जुड़ता है। क्या बात। और देखो एक सरकार का आपको हम बताते हैं कि जिसको जो बोलना हो बोलता है, लेकिन यदि सरकार ने ये नर्मदा योजना नहीं बनाई होती तो मैं नहीं मानता कि वहाँ लोग जीवित रह सकते थे। 5.5 साल 10 साल से वहाँ बरसात नहीं हो रही, कम बरसात, एकदम जीरो लेवल में। हमारे पूरे क्षेत्रों का व्यवस्था ऐसी है कि बरसात होती है उससे वो तालाब भरता है, तालाब से वो आजू बाजू के जो कुआँ हैं वो रिचार्ज होते हैं, उससे लोग वो पानी पीते हैं। लगभग 5 साल से वहाँ बरसात नहीं हुई, 5-6 साल से, इसलिए तालाब सब रिचार्ज नहीं हुए थे। यदि नर्मदा योजना नहीं होती तो मैं नहीं मानता कि वहाँ लोग रह पाते। इस साल बरसात अच्छा हुआ, इस साल अच्छा हुआ। गुरु जी 28 वर्ष हो गए आपको इस मंदिर से जुड़े हुए, बहुत सारी अनुभूति हुई, बहुत अनुभूति है, ईश्वर से प्रत्यक्ष परोक्ष संबंध भी बने हुए हैं। हाँ, वहीं से हमको भगवान। ऐसा कोई वाक्या जो आपको कोई जो चीज़ आप दर्शकों के सामने कह सकते हो, तो क्योंकि एक आस्था की बात है, तो ऐसा कोई वाक्या आपके जीवन में इतने सालों में, बहुत सारे वाक्य होंगे पर कोई ऐसा एक इंसिडेंट हो, एक वाक्य हो जो जो अनुभूति आपको ईश्वर के प्रत्यक्ष होने की जो कराई हो ईश्वर ने आपको, जो आप हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहोगे? देखो सही बात तो ऐसी आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न किया हमारे साथ, क्या और इस प्रश्न का मैं एक अनुभूति के सिवाय तो व्यक्ति उसका उत्तर दे नहीं सकता। सही बात, सही क्या बात। अभी क्या है कि हर व्यक्ति के मन में कोई न कोई जिज्ञासा है, क्या कि मुझे कुछ प्राप्त होना चाहिए, मुझे कुछ प्राप्त होना चाहिए। और शास्त्रों के अंदर इसके अंदर लिखा हुआ है कि व्यक्ति को साधन चतुष्टय संबंध संबंध होगा तभी उन सब चीज़ों की प्राप्ति होगी। और वो साधन चतुष्टय जो व्यवस्था है, क्या उसके अंदर तो मनुष्य का मन एकदम निर्मल होना चाहिए, अति निर्मल होना चाहिए, तभी वो सब मिल सकता है। बाकी मिल नहीं सकता, मैं नहीं मानता कि मिलेगा एकदम से, क्या एकदम से। सामान्य कार्य मनुष्य करेगा तब भी उसका मन निर्मल होगा, उसके साथ ईश्वर के साथ उसकी कनेक्टिविटी होगी, उसके बाद परमात्मा की उसको मदद मिलेगी तो उसको कुछ मिलेगा। मनुष्य जो जीव जो है ना वो एक ऐसी व्यवस्था है, इंद्रियां मनुष्य की एक ऐसी व्यवस्था है कि जब तक उनको ईश्वर के साथ उसका संसर्ग नहीं होगा तब तक वो जीव कोई भी प्रकार की सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। एक वैज्ञानिक है, वो साधना कर रहा है, उसको कुछ न कुछ मिला है, तो उसका जो मन है, उसका जो जीव है, वो ईश्वर के साथ जब कनेक्ट हुआ उसके बाद उसको सिद्धि की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार से एक अध्यात्म की भी वही व्यवस्था है कि ईश्वर के पास जो शक्ति है उस शक्ति की कोई सीमा नहीं है। इसलिए क्या है कि देखो अपने यहाँ एक समाज में एक व्यवस्था चलती है कि ये पूरा ब्रह्मांड में लगभग 125 करोड़ लोग हैं
और उसके सिवाय भी पूरा विश्व के अंदर जो लोग हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी प्रकार का व्यक्ति, मनुष्य मात्र, या उसके हर व्यक्ति के बारे में उसके अंदर एक भाव है कि परमात्मा है, ईश्वर है, उसकी सत्ताएं हैं, उस सत्ताओं के दर्शन करने के लिए हर व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा है। और जब तक जीव और ईश्वर की इनका दोनों का संपर्क नहीं होता है, तब तक मनुष्य विश्व में कोई भी काम नहीं कर सकता है, कोई भी काम नहीं कर सकता है, उसको सिद्धि नहीं मिल सकती है। तो उस जीव और ईश्वर का ज्ञान मुझे स्तंभेश्वर से हुआ कि जीव क्या सत्ता है, ईश्वर क्या सत्ता है, इंद्रियों की अपनी क्या सत्ता है, ये समस्त जो है व्यवस्थाओं का ज्ञान मेरे को स्तंभेश्वर में ही हुआ। उससे और मतलब इतनी जो परिचय आपको ईश्वर ने करवाया वो इनसे हो। लोग जो बोलता है कि भाई मनुष्य जो है हजारों साल तपस्या करता है, करोड़ों साल तप करता है क्या, और उसके बाद भी उस चीज की उसको प्राप्ति नहीं होती है, उसका अनुभव मेरे को वहीं पर हुआ, उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि किसी समय जो हिमालय में से स्तंभेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए आते थे, उनकी गुप्त मार्ग से वो लोग वहाँ पहुँचते थे, सब बड़ी बड़ी गुफाएं थी, वहाँ से वो लोग आते थे वहाँ। और वो आपको हमने जो एक प्रसंग सुनाया एक ब्राह्मण का, वो भी उसी प्रकार के साधक थे, वैष्णवी विद्या का साधना उन्होंने वहीं पर किया, वहीं पर उनको सिद्धि प्राप्त हुई, उसी प्रकार की सिद्धि मुझे भी वहाँ पर अनुभव हुआ। और ईश्वर का दर्शन मेरे को भगवान स्तंभेश्वर महादेव का, जो उनका जो विशाल ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, उनकी जो शक्तियाँ हैं, उन सभी शक्तियों की अनुभूति मेरे को वहीं पर हुई। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। और हम भी इतने भाग्यशाली कि आज आपके संपर्क में। और आज तक मैंने कभी किसी को ये सब बताया नहीं है क्या, लेकिन आपका दिल बहुत अच्छा है तो मैं सोचा चलो बताता हूँ। बस मेरे दर्शक जो देखते हैं उन तक ये बात मेरे को क्या है कि आपको बताने का एक कारण ये है कि भाई सबको जीवन में इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए जो है पुरुषार्थ करना चाहिए। सही बात क्या, और वो पुरुषार्थ मनुष्य को सदमार्ग से ही प्राप्त होगा, न कि किसी के प्रभाव में आने से। मनुष्य जो है स्वतंत्र है, जीवन में किसी भी व्यक्ति को किसी के प्रभाव में ना आकर के जीव और ईश्वर के साथ उसका संसर्ग के बारे में प्रयत्न करना चाहिए, और वहीं से उसको सब मिलेगा। स्तंभेश्वर महादेव की जय। तो अंत एक दो प्रश्न मेरा कि आप कनु भाई से इतने परिचित हो, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ प्रतिभाव आप दीजिए कनु भाई के बारे में। देखो कनु भाई तो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जैसा मैं सिपाही हूँ, ऐसा ही कनु भाई भी एक सिपाही है। उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया और उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। सिद्धि का मतलब ऐसा होता है कि इस संसार में करोड़ों जीव आत्माएं हैं क्या, और किसी जीवात्मा का जो है संबंध ऐसा होता है पूर्व जन्म का, वो अधूरा काम छोड़ करके आया होता है और वो इस जीवन में जो है वो साधना करता है, उसको जो है इसलिए उसको सिद्धि प्राप्त होती है। आज हमारे यहाँ कनु भाई ने पूर्व जन्म में भी कुछ ऐसे दिव्य कर्म किए होंगे, उसका प्रभाव से उनको जो है उसका फल मिला और आज एक विशाल संस्था चलाई, और उनके मन में 24 घंटे क्या सेवा के सिवाय कोई भावना नहीं है उस व्यक्ति के अंदर, और वो जो है वो उसमें पुरुषार्थ करते रहते हैं। और जो है उनका जो स्वभाव है, स्वभाव अति प्रेमाल स्वभाव, किसी दूसरे की प्रशंसा करना ही कनु भाई का धर्म है क्या, और अब उनकी कोई प्रशंसा करे तो उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दूसरे की प्रशंसा करना, दूसरे लोगों को मदद करना किसी भी प्रकार से, जिसको बोलते हैं कि सकारात्मक की ऊर्जा कनु भाई के अंदर आप लोग देख सकते हैं, और उस सकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव है कनु भाई के पास। साधना के बहुत से मार्ग होते हैं, एक साधना ऐसी होती है कि जो उसको बोलते हैं हठ योग की साधना, एक साधना ऐसी होती है कि जो मनुष्य है प्यार मोहब्बत को पैदा करता है। पृथ्वी पर करोड़ों गुण हैं भगवान की पृथ्वी पर, उसमें से बहुत से गुण जो है किसी के पास कोई गुण होता है, किसी के पास कोई गुण होता है, कनु भाई के पास जो है प्यार का गुण है, उस गुण की वजह से ही उनको सिद्धियाँ प्राप्त हो रही हैं। मेरा अंतिम सवाल कि हिंदू धर्म में वैदिक परंपरा की बात करें, ईश्वर की आस्था की बात करें, तो इसका एक कितना महत्व रखता है? देखो सही बात तो ऐसी है कि वेद जो है परमात्मा ने बनाए हुए हैं। आपने बहुत अच्छा एक ये सवाल किया है कि हर व्यक्ति को ये जानने की जरूरत है, उसको हर व्यक्ति को जानना चाहिए। क्या जानने का तात्पर्य ऐसा है कि मनुष्य को साधना कैसे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो हमारे वेदों के अंदर लिखा हुआ है सब, दूसरा किसी ग्रंथ में नहीं मिला है। देखो एक चीज आप समझो कि साधु है उसकी एक सीमा होती है, साधक है उसकी एक सीमा होती है, क्या
और बड़े बड़े रिसर्च करता, मैं उनकी बात करता हूँ सामान्य व्यक्ति की नहीं, कि जिन्होंने जीवन में कुछ प्राप्त किया, ऐसे करोड़ों लोग इस देश में हैं, वो गृहस्थ धर्म में भी हैं, संत धर्म में भी हैं क्या, लेकिन उन सब की एक सीमा होती है, लेकिन ईश्वर है वो असीमित है। जिस प्रकार से मनुष्य एक खेत बनाता है, वो खेत में बढ़िया गेहूँ उगाता है, उस गेहूँ की अपनी एक सीमा, वो एक बीज है, लेकिन भगवान की सृष्टि में तो करोड़ों प्रकार के बीज हैं। इसी प्रकार से जो वेद है, व्यक्ति है उसको एक साधना का ज्ञान होता है, वेद जो है उनमें करोड़ों साधनाएं लिखी हुई हैं, और उन करोड़ों साधनाओं में से कोई किसी की साधना करता है, कोई किसी की साधना करता है, अलग अलग प्रकार के मनुष्य साधनाएं कर रहा है, इसलिए वेद ही सब साधनाओं का मूल मार्ग है। यदि मनुष्य कुछ को कुछ प्राप्त करना है तो उसको वहीं से जाना पड़ेगा क्या, और उसको समझने के लिए व्यक्ति को दर्शन की जानकारी जरूरी है, दर्शन को समझने के लिए भगवान के प्रति श्रद्धा भी वहीं से प्राप्त हुई उसको, इसलिए तो बहुत बड़ा एक टॉपिक है, और वहीं से उसी मार्ग से मनुष्य जाएगा तो उसको कुछ मिलेगा, बाकी कुछ मिलेगा नहीं मनुष्य को, खाली हाथ आया था खाली हाथ चला जाएगा। बहुत खूब। तो दर्शक मित्रों, ये थे हमारे साथ में आज परम पूज्य विद्यानंद जी महाराज, जो स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के महंत हैं, और काफ़ी अच्छी बातचीत हुई उनसे, उन्होंने वेदों के बारे में बताया हमको, मंदिर के बारे में बताया, उस मंदिर की महिमा के बारे में बताया, उसके पुराणयुक्त जो कथा हैं उनके बारे में हमको काफ़ी ज्ञान दिया। तो अभिवादन करता हूँ मैं आपका गुरु जी, और मुलाकात का एक कार्यक्रम यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, दोबारा उपस्थित होंगे एक विशेष मुलाकात कार्यक्रम में, तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।